खबर पिहोवा हरियाणा से है। पिहो में शरारती तत्वों को नहीं रास आई, गऊओं के लिए बनाई गई अस्थायी गौशाला, गौशाला में रखे भूसे में किसी शरारती तत्व ने लगा दी आग। किसान यूनियन के द्वारा आवारा घूम रहे गऊओं के लिए प्रशासन से गऊओं के रखरखाव के लिए गौशाला की मांग रखी थी। प्रशासन द्वारा पिहो के नई अनाज मंडी में अस्थायी गौशाला बनाई गई थी। किसानों द्वारा हर रोज इस अस्थायी गौशाला में हरे चारे से लेकर भूसा पहुंचाया जाता है, तो वहीं किसी शरारती तत्व द्वारा गऊओं के भूसे में आग लगा दी है। गौशाला में कोई देख रेख न होने की वजह से किसी ने लगाई भूसे में आग। बेजवान के मुँह से निवाला छीनने की गई कोशिश, प्रशासन को उठाने होंगे सख्त कदम। ये नई अनाज मंडी है जो कुरुक्षेत्र रोड पर पिहोवा के अंदर उसमें मनाई गई थी। लगभग आज इसे दूसरा महीना चल रहा था और प्रशासन के सहयोग से ये चलाई जा रही थी। आज हम उसके बड़े अच्छे पड़ाव पर थे, बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ था जिसके अंदर शायद किसी को वो गवारा नहीं होगा या क्या शरारत क्या हुई है, बड़ा इसका दुख हमें आज लग रहा है। आज हमारी अस्थाई गौशाला जो नई अनाज मंडी में खोली गई थी उसमें हमने ना उन पशु आहार के लिए एक व्यवस्थित भोजन की रखा हुआ था, जिसमें आज किसी किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई है। एक कहते हैं ना, जाके रखे साइया मार सके ना कोई, उसी परिरूप का एक उदाहरण यहाँ पे भी दिखाई दिया कि भाई हमारे पूरा भोजन ना जलकर ठीक है, एक बहुत बड़ा नुकसान आज हमारी समिति को उठाना पड़ा, परंतु कहीं ना कहीं हादसा थोड़ा टल भी गया प्रभु की कृपा से, जो पीछे काफ़ी हमारा भोजन काफ़ी बड़ी मात्रा में था जो नहीं इस चपेट में आया, परंतु जो आज बड़ा हादसा हमारी इस समिति को सहना पड़ा है जिससे हमारा बहुत बड़ा एक निजी नुकसान आज हमारे आपके जिस पीछे हमारे जो दिखाई दे रहा है उस रूप में हो गया है। हमें सूचना मिली, एक बंदे ने जाकर मौके पर हमें सूचना दी कि पेवा में गौशाला में पराली के स्टॉक में आग लगी है, तो हमने तुरंत आकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और अब आग कंट्रोल में है।